हाँ तो भाइयों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है BGMI फैंस के लिए और इसके अलावा जिन गेम्स के अंदर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उन सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चीज़ से लॉन्ग टर्म के अंदर BGMI को क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या क्या फायदा होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ का हम सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट करते थे कि भाई इंडियन ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिले या फिर सपोर्ट मिले, तो ये चीज़ फाइनली हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब कल के दिन हमें एक स्टेटमेंट कह लो या फिर एक के लो जो देखने को मिली है। अब इस पर्टिकुलर नोटिस के अंदर हमें काफी ज्यादा चीजें देखने को मिली है, काफी चीजों पे बात की गई है, लेकिन हमारे जो मतलब की है वो है हमारा सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर द हेडिंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दैट इज युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एंड द सब हेडिंग बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज खेल विभाग आफ्टर एंट्री टू द फॉलोइंग एंट्री शैल बी इंसर्टेड नेमली, देन इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई स्पोर्ट्स एज ए पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये कि अभी तक जो भी मल्टी स्पोर्ट्स होते थे यानी कि जहाँ पे कॉम्पिटेटिव टीम्स वगैरह होती थी, ऐसे जो भी गेम्स होते थे उनके अंदर ई स्पोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब से ई स्पोर्ट्स भी मल्टी स्पोर्ट्स बन चुका है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो से BGMI पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते कि ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइजेशन से ओवरऑल क्या फायदा है। तो देखो भाई, इससे सिंपल सी बात यह है कि जो भी गेम्स ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लाइक पबजी न्यू स्टेट हो गया, पीसी की बात करें तो उसके अंदर वैलोरेंट वगैरह हो गए, जिन भी गेम्स में ई स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें अब से आपको गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल जाएगी, इन्फ्लुएंस वगैरह आपको गवर्नमेंट का वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो भाई जैसा आपको अदर गेम्स के अंदर देखने को मिलता है, अदर मल्टी स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है, सेम वैसा ही शायद आपको इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का ई स्पोर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस चीज से ओवरऑल देखा जाए तो भाई जो प्लेयर्स पहले ई स्पोर्ट्स को एज अ करियर नहीं देख पा रहे थे या फिर इनसिक्योरिटी थी कि भाई ई स्पोर्ट्स में फ्यूचर है या नहीं है, अपने पेरेंट्स को क्या बोल के मनाएंगे कि भाई ई स्पोर्ट्स क्या चीज है, तो भाई जो भी ये चीज थी वो शायद अब थोड़ी बहुत फिक्स हो चुकी है। गवर्नमेंट भी ई स्पोर्ट्स को इंपोर्टेंस देगी, साथ में आप पेरेंट्स को बता भी सकते हो कि भाई यह मल्टी स्पोर्ट्स के अंदर काउंट होता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ई स्पोर्ट्स को लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो अगर आप चाहते हो ई स्पोर्ट्स के ऊपर एक पूरा वीडियो तो भाई कमेंट में जरूर से बताना। बाकी बात करके BGMI के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई BGMI इन फ्यूचर अगर अनबैन होता है, जिसकी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, अगर BGMI अनबैन होता है तो भाई ई स्पोर्ट्स को लेकर BGMI नेक्स्ट लेवल ग्रो करने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि भाई ई स्पोर्ट्स में BGMI और पबजी मोबाइल का काफी बड़ा हाथ है। अगर वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट से अनबैन होकर आता है, दोबारा लॉन्च वगैरह होता है, तो ये फ्यूचर के अंदर काफी बढ़िया एक करियर बन सकता है। वैसे ई स्पोर्ट्स में केवल BGMI ही नहीं आता, और भी काफी ज्यादा गेम्स है जिनमें ई स्पोर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल दो तो भाई मोबाइल के अंदर पबजी न्यू स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में पीसी की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको वैलोरेंट देखने को मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को ई स्पोर्ट्स से अप्रूवल मिलने के बाद और भी काफी ज्यादा इन फ्यूचर गेम आने वाले हैं जिनके ई स्पोर्ट्स हुआ करेंगे और उनके टूर्नामेंट वगैरह भी होंगे जिनमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। बाकी आप सभी का ई स्पोर्ट्स को लेकर क्या थिंकिंग है, क्या फ्यूचर प्लान है, मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना, और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो का लाइक है 200, तो होप आप सभी कंप्लीट करवा दोगे, और कमेंट में बताने वीडियो कैसे लगे। हाँ अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, 30,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी अचीव करने। ओके, देन मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।